क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर नंबर 1.4 है। इंग्लिश में नेम है इसका कोऑर्डिनेशन, और अगर आप इसको हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इसको आप समन्वय के नेम से भी मिल जाएगा। सिंपल सी बात, कोऑर्डिनेशन कहता है कि या कोऑर्डिनेशन से 2+2 5 भी पॉसिबल हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ एक कहावत है ना कि अगर 2 लोग 5 लोग मिलकर रोटी खाने बैठते हैं तो 2 रोटी फालतू ही खाई जाती है, वही काम कोऑर्डिनेशन का है। अगर कोऑर्डिनेशन है तो काम और भी अच्छा होता है। इसी कोऑर्डिनेशन को हमने अपने बिजनेस के सिलसिले में, मैनेजमेंट के सिलसिले में भी देखना है। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसका नेचर क्या है, और ये फिर हम देखेंगे कि ये मैनेजमेंट के सभी जितने भी पार्ट्स हैं सभी में अप्लाई होता है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम आता है, और फिर लास्ट में एक छोटा सा बहुत इजी टॉपिक है कि मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। 20-22 मिनट का वीडियो है, इसी वीडियो में आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा है कि हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है, कौन सा, डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ये सबसे मेन प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी काम है हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हर व्यक्ति को एक काम करने के लिए दिया जाता है, इससे काम करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगा, उसी एक काम को बार बार जब करेगा तो उसमें उस काम को करने की स्पेशलाइजेशन आ जाती है, वो काम फिर बहुत जल्दी भी करने लगेगा और हमारी फर्म को अल्टीमेटली ही बेनिफिट होने वाला है। परंतु क्या काम यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है क्या, कि अगर हम काम को डिवाइड कर दें बस इतना सा ही? नहीं, काम इससे और आगे का भी होता है। क्या हमको उन सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखना होता है, समन्वय भी बना के रखना होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे किसी भी बड़ी कंपनी में या फर्म में ये डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट। जब तक इन सभी डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक क्या होगा, फर्म को अल्टीमेटली जो भी मोटिव अचीव करना है, जो भी टारगेट हमको पाना है फर्म ने, वो हमको मिल नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करना चाहता है, परंतु परचेज डिपार्टमेंट उसको रॉ मटेरियल परचेज करके ही ना दे, तो क्या ये प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग ही नहीं करता है, सेल्स ही अच्छी नहीं करता है, तो क्या होगा कि या वह प्रोडक्शन भी बेकार चला जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको फाइनेंस की ही अरेंजमेंट अगर नहीं करा के देगा, तो क्या परचेज डिपार्टमेंट को कुछ मिल पाएगा, क्या वो कुछ परचेज कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ काम को बांट देना, डिवीजन ऑफ वर्क कर देना ही काफ़ी नहीं है, सभी लोगों में, सभी डिपार्टमेंट में जितने भी वहां पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, कि कोऑर्डिनेशंस के क्या एलिमेंट्स हैं। पहला जो एलिमेंट है वो है इंटीग्रेटिंग, दूसरा है बैलेंसिंग, फिर तीसरा है टाइमिंग का। इंटीग्रेटिंग के अंदर क्या हमको ध्यान में रखना होता है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं जो हमारी फर्म के अंदर काम कर रही होती हैं, चाहे वो इम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो ओनर है, हमको क्या करना है, इनको एक बात समझानी होती है कि अल्टीमेटली आप लोग देखो कि हमको फर्म का टारगेट अचीव करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि इम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमको सैलरी ज़्यादा मिले, मैनेजर लोग या बिजनेस का ओनर वो क्या चाहता है कि सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो।
बट हमको उन दोनों पार्टीज के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है, क्योंकि कभी-कभी इम्प्लॉयज खुद का पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं और मैनेजर लोग भी अपना पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं। हमको उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करना होगा, ताकि कोऑर्डिनेशन पैदा हो गया तो वो बीच में जो लड़ाई होती है, जो दोनों पार्टीज के बीच में कभी-कभी टकराव होता रहता है, तो वो टकराव होने से बच जाएगा। दूसरा एलिमेंट है बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब होता है कि सभी डिपार्टमेंट्स में सभी रिसोर्सेज का हमको जो बंटवारा करना होता है, जो हमने रिसोर्सेज बांटने होते हैं, वो बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए, और सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में भी बैलेंस होना चाहिए। अब सभी डिपार्टमेंट्स का अभी जो हमने सीखा कि बैलेंस आपस में होना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या होगा? हमारा जो टारगेट है वो हम और भी अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तीसरा जो एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन का, वो है टाइमिंग का। टाइमिंग के अंदर मतलब हमको ये देखना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि हमारा कौन सी प्रोसेस को पूरा करने में कितना टाइम लगने वाला है। क्या एक प्रोसेस की वजह से दूसरी प्रोसेस में कोई टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? इसलिए कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, अब मान लो परचेज डिपार्टमेंट टाइम से परचेज ना करे तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर टाइम से पैसे को अवेलेबल ही ना करवाए तो क्या हम परचेज कर पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर टाइम से प्रोडक्शन पूरी ना करे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या टाइम पर कभी मार्केटिंग कभी सेल पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर टाइम पर मशीनों का बिल्डिंग का टाइम से रख रखाव ना कराए, मेंटेनेंस ना कराए, तो क्या हम मशीनों को अच्छे से चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। इसलिए टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे के काम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और काम कंटिन्यू चलता रहे। इसलिए कोऑर्डिनेशन होने में तीन एलिमेंट्स बिल्कुल खास इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात इंटीग्रेट होना, बैलेंस होना, एंड तीसरी बात है टाइमिंग का भी हमको ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं करेक्टिक्स की, या नेचर। कोऑर्डिनेशन का जो हमारा नेचर होता है या करेक्टिक्स होती है, वो क्या होता है? पहली बात, इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट। सीधी सी बात, किसी भी फर्म का जो टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेनी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। जब वो एक्टिविटीज़ एक साथ टाइम टू टाइम चलती हैं, तभी तो हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसलिए सभी एक्टिविटीज़ में, लोगों में, डिपार्टमेंट्स में, सबके अंदर एक अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको एक प्रोडक्ट बनाना है। अब वो प्रोडक्ट मान लो तीन प्रोसेस में से होकर निकलता है। पहले एक मशीन में से बनता है, देन थोड़ा सा वो दूसरी मशीन में से पूरा होता है, देन वो तीसरी मशीन में से जाके पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने चीनी का पैकेट पैक करना है। चीनी को पहले क्या करेंगे? गन्ना लेकर आएंगे, गन्ने का रस निकालेंगे, रस निकलने के बाद ही तो चीनी बनेगी, चीनी बनने के बाद ही तो वो पैकेट में बंद होने वाली है ना। इसलिए इस चीनी को बनाने से लेकर पैक करने तक भी तो एक ऑर्डर है ना, तो ये एक पूरा का पूरा ग्रुप का एफर्ट होता है। अगर हमने ये कोऑर्डिनेशन कर दिया तो काम बिना रुकावट के अच्छे से चलता रहता है, हमारा टारगेट भी अच्छे से अचीव हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि ये मैनेजमेंट का एसेंस है। एसेंस का मतलब है कि यह प्रबंध का, मैनेजमेंट का एक सार होता है। अब आप कोई भी काम कर लो, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी लेवल पर ये कोऑर्डिनेशन का हमको जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है। ये वाला टॉपिक एक नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, इसको हम थोड़ा और डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा इजी टॉपिक है ये। फिर थर्ड पॉइंट है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ऐसा नहीं है कि फर्म में हमने एक ही बारी अप्लाई कर दी, अभी चलता रहेगा चलता रहेगा। हमको टाइम टाइम पर बार बार लोगों के बीच में, एक्टिविटीज़ के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में बार बार कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। उनका अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? पूरा बैलेंस सिचुएशन हमारी बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमको लगातार उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है कि क्या सभी एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को लोग कोप अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इट हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल मैनेजरियल लेवल। अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के बगैर चल ही नहीं सकता। फिर तीसरी फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो ये है, इट डज नॉट एस्टेब्लिश स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये किसी भी, ये अपने आप ही स्थापित नहीं होता, ये अपने आप ही नहीं एस्टेब्लिश हो जाता है, इसको हम जानबूझकर हमारा किया गया एक ही एफर्ट होता है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाएगा। ये बात हमको सिक्स्थ टॉपिक में से समझ आ जाएगी। सिक्स टॉपिक क्या है हमारा, इट इज़ मोर देन मेयर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय। सहयोग क्या होता है, एक मिलकर काम करने की इच्छा होती है, पर जब हम उसी इच्छा को एफर्ट के द्वारा, एफर्ट से उसी इच्छा को जब हम रियलिटी में बदल देते हैं तो कोऑर्डिनेशन पैदा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से, मतलब सहयोग से कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक प्रबंध का सार होता है। अब कुछ मैनेजमेंट के कुछ प्रबंधक लोग कहते हैं कि क्या हम कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक नया पार्ट मान लें, जैसे हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के बाद क्या क्या हम इसको एक सिक्स्थ पॉइंट बना दें कोऑर्डिनेशन को क्या? पर ऐसा नहीं हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट कैसे हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चीज़ ही ऐसी है, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टाफिंग कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टिंग कर रहे हो या कंट्रोलिंग कर रहे हो, आपको हर जगह पर कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन कोई अलग से कोई काम तो हुआ नहीं कोई प्रोसेस में, सिक्स्थ पॉइंट तो हम इसको नहीं मानकर चल सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन पूरी की पूरी मैनेजमेंट का एसेंस होता है, सार होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। अब प्लानिंग करते हुए प्लानिंग डिपार्टमेंट को क्या करना होता है, हर किसी से पूछना होता है कि भाई बताओ तुमको क्या क्या चाहिए ताकि मैं लेकर चलूँ। अब प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट बाकी के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करेगा तभी तो वो प्लानिंग अच्छे से कर पाएगा। इसलिए प्लानिंग करते हुए भी कोऑर्डिनेशन हमको करना होता है, क्योंकि अगर प्लानिंग करते हुए बाकी के डिपार्टमेंट से अगर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो डेफिनेटली जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ही जब ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है तब भी हम कोऑर्डिनेशन लेकर चलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर हम ये देख रहे होते हैं कि पूरा जो हमको अरेंजमेंट करना है वो कैसा करना है। अब अरेंजमेंट कौन डिसाइड करेगा, ये बाकी के लोग भी तो बताएंगे ना कि ये अरेंजमेंट हमको कैसे करना है, और ऑर्गेनाइजिंग वाले को प्लानिंग से भी पूछना पड़ेगा भाई तूने क्या प्लान किया था। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग करते हुए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत खास तरीके से पड़ती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन की हेल्प हमारा जो थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग, इसमें भी पड़ती है। अब स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, स्टाफिंग के अंदर हमको लोगों को नौकरियों पर रखना होता है, उनकी ट्रेनिंग भी करनी होती है ना। कुछ लोग फॉर्म ज़्यादा भर देते हैं नौकरियों के लिए, 100 फॉर्म आए फॉर्म भरने के लिए, हम 100 फॉर्म में से क्या 10 लोगों का ही सिलेक्शन करेंगे। तो ये स्टाफिंग के टाइम पर भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते ही हैं, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, बाकी के डिपार्टमेंट्स की हेल्प नहीं लेंगे, तो स्टाफिंग के टाइम पर फिर कोई ऐसा व्यक्ति नौकरी पर रख लिया, हो सकता है कि रख लिया जाए हमारी तरफ से, कि जो इन फ्यूचर हमारे लिए गलत साबित हो। और अगर कोई गलत व्यक्ति हमने नौकरी पे रख लिया तो वो हमारा इन फ्यूचर हमारे लिए कोई समस्या भी पैदा कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग करना। अब इस पॉइंट के अंदर हमको क्या पढ़ना है, इस पॉइंट के अंदर हमने सबसे खास बात पता है क्या देखनी है, कोऑर्डिनेशन का पॉइंट डायरेक्टिंग वाले पॉइंट के अंदर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पता है क्यों, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है, ये काम इस प्रोसेस से होगा। तो अगर हम किसी को काम करवाने के लिए बोल रहे हैं, काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो पता नहीं वो व्यक्ति सामने वाला हमारी बात को किस तरीके से ले ले। अब कोऑर्डिनेशन ही ऐसा है जो क्या करेगा, हमारी बात को और अच्छे से अप्लाई करवा पाएगा। अब मान लो एक जैसा काम करने वाले दो व्यक्तियों के साथ जब एक जैसा व्यवहार किया जाता है
तो उसमें मन मुटाव कभी भी नहीं होता है। तो इसमें कहाँ से हुआ, कोऑर्डिनेशन से ही फायदा होने वाला है। डायरेक्शन करते हुए जो हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन तो लोगों से करते ही होंगे, तभी तो उनको हम डायरेक्ट कर पाते हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन के हम उन लोगों को कहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर पांचवी बात आती है कंट्रोलिंग के साथ कोऑर्डिनेशन करना। अब कंट्रोलिंग के अंदर तो क्या है ना, सारा रिजल्ट हमारा हमको देखना पड़ता है कि हमने क्या टारगेट बनाया था और अभी हमको क्या रिजल्ट मिले हैं। हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था और अभी जो हमको रिजल्ट मिले हैं, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने के बाद जो डेविएशन आते हैं उसके ऊपर करेक्टिव स्टेप लिए जाते हैं। बाकी डिपार्टमेंट से बात की जाती है कि तुम बताओ भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, कहाँ पे आया था, ऐसे ऐसा समस्या को सुलझाया जाता है, एफर्ट किए जाते हैं और सभी के अंदर फिर दोबारा से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। तो बताओ कि अगर मशीन में प्रॉब्लम आई थी, हम मशीन को ही कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक करेंगे, है ना। कोई गलत व्यक्ति नौकरी पे रखा गया तो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको या तो ट्रेनिंग देकर किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं, मैटर को सोल्व कराते हैं। कोई करेक्टिव एक्शन लेना है तो तब भी वो कोऑर्डिनेट करके ही हेल्प लेकर बाकी के डिपार्टमेंट से बात करके ही कोऑर्डिनेट करके ही इस मैटर को सोल्व करते हैं। तो ये पांचों के पांचों टॉपिक से ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के सभी कामों के साथ जुड़ा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ भी। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सीधी सी बात है, अगर किसी काम को कोई अकेला व्यक्ति कर रहा है तो वहां पर तो क्या अभी कोऑर्डिनेशन करना। अब जब टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल की बात आ गई तो डेफिनेटली एक ग्रुप बन रहा है। अब ये तीनों मिलकर एक ग्रुप ही तो बन गए। अब ग्रुप के अंदर तो काफ़ी सारे लोग हैं। अब जब काफ़ी सारे लोगों की बात आ गई तो डेफिनेटली वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का टॉपिक भी एंटर होगा ही होगा, क्योंकि टॉप लेवल को मिडल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनसे अपनी बातें मनवानी पड़ती हैं। बात ये तब मानेंगे जब वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। मिडल लेवल इससे कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो बात समझ पाएंगे। बात समझ पाएंगे तो अगले को भी तो बात तभी समझा पाएंगे ना जब सामने वाले को भी वो समझते हों। तो लोअर लेवल के साथ मिडल लेवल भी कोऑर्डिनेट रखेगा अच्छे से। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक सभी लेवल के ऊपर अप्लाई होता है ना। तो ये बात भी हमको खास तरीके से देखनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ज़रूरत है। डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है कि जब हम एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से ठीक है काम ईजिली होगा, हर व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, हर व्यक्ति में स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगी। दूसरी ओर देखें तो क्या होता है, एक व्यक्ति को एक ही काम दिया है, वो कभी कभी क्या करता है अपने ढंग से काम करना चाहता है, वो देखता ही नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का काम क्या चल रहा है। मान लो मैंने एक व्यक्ति को मेज की टांगे बनाने के लिए बोला, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं देख रहा है कि दूसरे व्यक्तियों ने कितना मेज का टेबल का काम कर लिया है। वो व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ टांगे 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 और टांगे ही बनाता जाता है, उसकी लेग्स ही प्रिपेयर करने में लगा रहता है, टेबल की लेग्स ही बनाए जा रहा है। उससे क्या होगा, उसके पास इतना ज़्यादा मटेरियल रेडी हो जाएगा कि वो टेबल को पूरा करने के पास दूसरे लोगों के पास कुछ है ही नहीं अभी, तो उससे काम को पूरा करने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो काम को बांट देना ही काफ़ी नहीं होता है, काम को जिन लोगों में बांटा है उन सभी लोगों के बीच में हमको कोऑर्डिनेशन भी पूरा बनाना होता है, ताकि वो सब मिलकर जिस टारगेट के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो एक साथ मिलकर ही तो काम कर रहे हैं, वो टारगेट वो अच्छे से पूरा कर पाए। दूसरा पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। हमको एक फर्म के अंदर एक काम को करने के लिए कभी कभी काफ़ी सारी प्रोसेसेस से होकर निकलना पड़ता है। जैसे अभी हम चीनी बनाने का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब चीनी बनाने के लिए क्या होगा, देखो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पैकिंग होने तक का पूरा एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट से गन्ना आया, मशीनों में उसको उसको उसका जूस निकाला जाता है, उसको जूस को साफ़ किया गया, साफ़ होने के बाद उसको प्रोसेसिंग करके उसको चीनी में कन्वर्ट किया, चीनी का फिर एक बार से फिर एक क्वालिटी चेकिंग हुआ, क्वालिटी चेक होने के बाद हमने उसको पैकिंग की,
तो ये सारी प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अगर ये इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, अगर इन सभी प्रोसेसेस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होने वाला है। और अगर कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया था तो क्या होगा, काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। अगर सभी प्रोसेसेस के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन रखें तो काम बिना रुकावट के चलता जाएगा। फिर तीसरी बात है कि कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। कभी कभी लोगों के जो खुद के जो टारगेट होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्लैश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट्स की। परचेज डिपार्टमेंट चाहता है कि परचेज कम से कम हो, सेल्स डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है कि अब की बार मेरे को 1,000 फ्रिज बेचने हैं, पर परचेज डिपार्टमेंट सोच रहा है कि अब की बार मैं सिर्फ 800 फ्रिज के लिए ही ऑर्डर दूं, 800 फ्रिज के लिए ही ऑर्डर दूं। तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, दोनों का आपस में जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहे हैं। वो कुछ और सोच के चल रहा है, वो कुछ और सोच के चल रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट सोच रहा है मान लो 1,000 फ्रिज बेचने हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं करा रहा है ना। तो इन सब के बातों के बीच में क्या होने वाला है, अभी क्लैशेस होने वाले हैं। क्लैशेस होने की वजह से वो कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि उनके टारगेट्स कंप्लीट हों, तो उनके इंटरेस्ट के बीच में, उनके कामों के बीच में हमको कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। चौथी जो बात आती है, फिर बड़े बड़े लार्ज स्केल के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर तो डिपार्टमेंट ही बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर हर किसी का काम करने का ढंग, हर किसी के काम करने का इंटरेस्ट, हर किसी की बिलोंगिंगनेस अपने लेवल की है, हर किसी का मोटिव अपना है, हर किसी की सहन करने की शक्ति भी अलग अलग है। इतनी सारी डिफरेंस होने के बावजूद भी लोगों को एक ग्रुप के अंदर काम करना होता है। और ये बात आसान नहीं होता है कि जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के लोग रहते हों तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के लोगों से एक साथ काम करा लें। ये काम कैसे पॉसिबल होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही। जब हम कोऑर्डिनेशन अप्लाई कर देते हैं तो सभी लोग मिलकर एक फर्म के टारगेट को पूरा करने में ही योगदान दे पाएंगे। ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन का, एलिमेंट्स क्या हैं, नेचर क्या है, और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सभी जगह पे अप्लाई होता है ना, सभी लेवल्स पे अप्लाई होता है। और फिर हमने लास्ट में ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।